अगली हदीस सुने। जो लोग दुआ नहीं मांगते या मांगते हैं तो बड़ी ही कम मांगते हैं, रब से मांगते भी नहीं है, फिर बवेला भी करते हैं कि मेरा ये हो गया, मेरा ये नुकसान हो गया। सुने जरा, दुआ मांगना किस कदर जबरदस्त काम है। हदीस पाक में आता है, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बला आसमान से उतरती है, नीचे से दुआ जाती है उस बला को मिल जाती है, दुआ और बला दोनों की कुश्ती होती है, दोनों लड़ते रहते हैं। कब तक लड़ते रहते हैं? एक दिन, दो दिन, तीन दिन? नहीं 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 मेरे भाइयों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ उस बला के साथ कयामत तक लड़ती रहती है और उस बला को नीचे उतरने नहीं देती। दुआ करना किस कदर शानदार काम है। आज हमने दुआ करना छोड़ ही दिया है। दुआ करना, बला आ रही है, मुसीबत आ रही है, इधर से आपने दुआएं कर दी, या अल्लाह मेरी मुसीबतों को दूर फरमा, या अल्लाह मेरी बलाओं को दूर फरमा, दुआ ऊपर जाती है, दुआ की और बला की कुश्ती होती है। ये हदीस भी आया है, कयामत तक कुश्ती होगी, लेकिन दुआ उस बला को नीचे नहीं आने देगी। देखें जरा, दुआ करने की किस कदर शान हदीसों में बयान की गई है।